हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू मूली की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू मूली की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है और अब इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी के जार में। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ साबुत मसाले, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 साबुत काली मिर्च, इन्हें भी ऐड कर लेते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। गैस पे मैंने रख लिया है एक कुकर और अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि इस सब्जी में कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑयल को हीट होने देते हैं। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, वन फोर्थ टीस्पून जीरा। गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। वन फोर्थ टीस्पून मेथी दाना, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन एक बार डाल के ज़रूर ट्राई करें, सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो टमाटर हमने ग्राइंड करके रखे थे, तो कर लेते हैं ऐड। मिक्स कर देते हैं एक बार। गैस का फ्लेम अब हम कर लेंगे लो टू मीडियम। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि इनमें से ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं हो जाता। तो होने देते हैं कुक। इसे कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे टमाटर कितने अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम हम कर लेंगे लो और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 2 मीडियम साइज की मूली और इनको मैंने 1 इंच के टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है। शेप आपकी चॉइस है, जिस भी शेप में आप मूली को कट करना चाहें उसी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज का आलू और इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है, तो इसे भी ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अपनी सब्जी को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हम हथेलियों पे क्रश करके डालेंगे, इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इस सब्जी को कुक करने के लिए हमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूली ऑलरेडी काफ़ी पानी रिलीज़ करती है, तो जो मूली पानी रिलीज़ करेगी उसी पानी में हमारी सब्जी कुक होकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से कुकर को कर लेते हैं बंद। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे रखेंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पे हम इसमें लेंगे 1 विसल। 1 विसल आने के बाद गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो। लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ।
कुकर का प्रेशर हमें रिलीज नहीं करना है, इसे अपने आप ठंडा होने दें। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो चलिए फटाफट से इसको खोल के अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी तरीके से कुक होके तैयार हुई है, और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी एक्सेस वाटर नहीं है, क्योंकि जितना भी पानी मूली ने रिलीज करा उसी पानी में ये सबसे कुक होके तैयार हो गई है। तो एक बार मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम कर लेते हैं अपनी सब्जी को सर्व। यहाँ पर हमने अपनी सब्जी को कर लिया है सर्व, और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया पत्ती के साथ। हमारी आलू मूली की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। रोटी, चपाती, पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ थोड़ी दही हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।